नमस्कार, आप देख रहे हैं एसएमपी झारखंड। क्योंकि जो हकीकत है वो दिखेगा, तो हम आइए चलते हैं विजुअल की तरफ। एनआरसी, सीएए और एनपीआर को लेकर के पूरे देश में जिस तरह से मुद्दा गर्म है, तो आज रांची में भी इसके पहले हमने आपको कांग्रेस का भी दिखाया था किस तरह से फ्लैग मार्च निकाला गया था इस बिल के खिलाफ। आज कुछ संस्थाओं के द्वारा भी बापू वाटिका के पास भी शांतिपूर्ण तरीके से इस बिल का विरोध किया गया। हम आइए कुछ युवाओं से बात करते हैं, क्यों है आखिर ये विरोध। हम लोग विरोध इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ये बिल्कुल कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ है। और ये हम लोग के जो गृह मंत्री जी हैं वो हमेशा हम लोग को बरगला रहे हैं कि ये नहीं, इसके खिलाफ नहीं है, किसी एक कम्युनिटी के खिलाफ नहीं है, लेकिन ये है, ये कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ है। इसको आप पढ़ेंगे, मंत्री जी अलग बोलते हैं, हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी अलग बोलते हैं, हम किसकी बात को माने। और हम पढ़े लिखे लोग हैं, हम लोग जानते हैं कि इसका विरोध हम लोग क्यों कर रहे हैं। सीए क्या है, ये हिंदू, क्रिश्चियन, सिख, सारे कम्युनिटी एक्सेप्ट मुस्लिम को छोड़ के सबको नागरिकता दे रहे हैं। ठीक है, आप दीजिए, आप उससे हम लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन अमित शाह जी हमेशा कह रहे हैं कि हम लोग एनआरसी लाएंगे इसके बाद, फिर अभी एक एनपीआर ले आए हैं, इसी विरोध के बावजूद फिर एनपीआर ले आए हैं। वो उनके जो कोई मिनिस्टर है वो कह रहे हैं कि ये हम लोग का पहला कदम है एनआरसी के लिए। तो आप ऐसा क्यों कर रहे हैं, एक कम्युनिटी हमेशा टारगेट क्यों होता है, उसके खिलाफ हम लोग आंदोलन कर। हेमंत सरकार ने बोला है कि जब तक हम यहाँ पे हैं हम इसको लागू नहीं होने देंगे, लेकिन ये जो है ये हम लोग का ये सेंट्रल से पास हुआ है, ये एक एक्ट बन चुका है, तो ये लोकसभा राज्यसभा में दोनों में पास हो चुका है। कहीं ना बिल्कुल डर है और रहना भी चाहिए हम लोग। ये एक हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन ने हमें जो प्रोविजन दिया है कि हम एक सिटीजन इंडियन में इंडिया में इक्वल है, लेकिन ये जब ये एक्ट आया है इसके तहत हम लोग कोई इक्वालिटी को तो ये कंसिडर कर ही नहीं रहे। इन्हें क्या करना है, एक पर्टिकुलर रिलीजन को टारगेट करना है, उनके लोगों को सिटीजनशिप नहीं देनी, बाकी सबको देनी है। हम इंडियन हैं, हमारे एंसेस्टर्स इंडियन हैं, आपको हम ये क्यों प्रूफ करें कि हमारे एंसेस्टर्स इंडियन थे या नहीं थे। आप हमसे डॉक्यूमेंट्स मांगते हैं, आपके पास क्या डॉक्यूमेंट है हमें ये प्रूफ करने के लिए कि आप उस लायक हैं कि आप हमारे प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट बन सकते हैं। आप पार्लियामेंट में लोग हैं, उनका एजुकेशनल बैकग्राउंड आप अगर जानने की कोशिश करेंगे, मोस्ट ऑफ देम वो उनके पास कोई ऐसी डिग्री नहीं है। तो आप अगर हमसे डॉक्यूमेंट मांग रहे हैं, आप एनआरसी ला रहे हैं, आप सीए ला रहे हैं, तो आप पहले अपने आप को ये सर्टिफाई करिए कि आप उस लायक हैं कि हम आपको वो डॉक्यूमेंट्स दिखाएँ। हम किस लिए दिखाएं डॉक्यूमेंट्स ऐसे, ये तो नहीं है कि सिर्फ कांग्रेस, सारे टीएमसी सभी ने किया, कितना पार्टी लोगों ने किया, कितना पार्टी ने विरोध किया। एमआईएम है, आम आदमी पार्टी है, डीएमसी है, सीआईपी, सीपीआई है, सब है। अच्छा, कुछ लोगों से भी पूछ लेते हैं। हाँ, जो अभी विरोध जो कर रहे हैं सभी लीडर्स लोग हैं सेक्युलरिज्म के लोग, यही विरोध क्यों कर रहे हैं। देखिए, पहले आपको समझना चाहिए कि राइट विंग और लेफ्ट विंग और न्यूट्रल तीन चीज है। हम लोग राइट विंग को हिंदुत्व कह रहे हैं, हालांकि ये पूरा राष्ट्र हिंदू राष्ट्र है, हम लोग सारे सिंध नदी के पार रहते हैं, तो हम लोग सब हिंदू हैं। हम लोग का धर्म भले अलग हो लेकिन हम लोग सब हिंदू हैं। तो हम लोगों को हिंदू मुस्लिम के नाम पे जो बांटा जा रहा है उसका कोई बेस नहीं है, कोई मुद्दा नहीं है, बात नहीं है उनको निकालने का। ये तो वही बात हो गई जी, मुझे सेब पसंद नहीं लेकिन मैं केला ज़रूर खाऊँगा, वो फल है। तो क्या मोदी जी और अमित शाह जी की सरकार ये चीज़ जान रही है कि वो क्या कर रहे हैं। वो लोग भले कह रहे हैं अफगानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश से लेंगे, क्या उनको ये पता है कि हमारे देश का इंटरनेशनल रिलेशंस पे इस पर क्या असर पड़ेगा। कौन विरोध कर रहा है एनआरसी और इस सब का, हम कर रहे हैं, ठीक है, यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन राइट्स कमीशन कर रहा है, पूरी दुनिया कर रही है, और इसका समर्थ कौन कर रहा है, आरएसएस कर रहा है, राइट विंग कर रहा है, एबीवीपी कर रहा है। अब तो आप फर्क जान ही गए होंगे कहाँ। और अगर इसका हिसाब मोदी जी नहीं दे सकते हैं तो वो कंसंट्रेशन कैंप बनाना छोड़ दे, वो समझे कि ये सब बेवकूफ़ी है। और हम लोगों का पहला काम है अनएम्प्लॉयमेंट, हम लोगों का पहला काम है लोगों की शिक्षा, हम लोगों का काम है वुमेन सेफ्टी, हम लोगों का काम है लोग जो गरीबों के लिए, जो हम जैसे गरीब बच्चों के लिए 3,000 करोड़ रुपए एजुकेशन से हटाए गए वो वापस करें। चलिए, कहीं ना कहीं देखा जाए लोगों में नाराजगी है ये सीए बिल को लेकर के और एनपीआर बिल को लेकर के, तो काफ़ी नाराजगी देखा जा रहा है जी। कुछ आप भी कहने वाले हैं।
ये कुछ कुछ अभी वर्ड जो बोल रहे थे उन पे, बताइए भाई आप क्या है सीएए के समर्थन में या इसमें जो भी हो? हम एजुकेट करना चाहते हैं सीएए और डिस्कशंस में। तो बोलिए सीए है क्या? सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट। उससे क्या हुआ? उसमें सबसे पहला प्रोविजन हम लोग जब देखते हैं कि हम लोग सिटीजन्स को इंक्लूड करना चाहते हैं अफगानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश से, जो 31 दिसंबर 2014 से पहले आए। 17 पेज का ये डॉक्यूमेंट है सर, आपने पढ़ा? जी हमने पढ़ा, इसलिए तो पूछ रहा हूँ। 1950 ये किसके अमेंडमेंट में आ रहा है, मैं आपसे सवाल कर रहा हूँ, ये किसके अमेंडमेंट में आ रहा है? किसके अमेंडमेंट? हाँ, कौन से बिल के अमेंडमेंट में इसको लाया जा रहा है? अच्छा, सीएए का विरोध क्यों हो रहा, खाली वो बता दीजिए। वही तो अभी तक सर मैं बता रहा था। क्या तकलीफ है लोगों को, क्या तकलीफ है? पहले मेरा सवाल का जवाब दे। ये जो सीए है, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट है, ये किस बिल को अमेंड किया जा रहा है? ये एक्ट किस बिल को अमेंड करना, बस मैं समझ जाऊंगा कि आपको समझ आ जाएगा, बस ये सवाल बता दीजिए जनाब। ये मुसलमानों के लिए, जो मुस्लिम कम्युनिटी है उनके खिलाफ है। किसी खिलाफ? कैसे नहीं, किस तरह खिलाफ है बता दीजिए। अच्छा नहीं, किस तरह खिलाफ है वो बता दीजिए। अच्छा बताइए क्यों नहीं है खिलाफ? आपको निकाला सर, निकालना और ना निकालने का बात नहीं है, निकालना ना निकालने का बात नहीं है। आपको निकाला जा रहा है मैम, किसी को निकाला जा रहा है यहाँ पे? कैसे निकाल देगा सर, कैसे? देखिए नहीं, हल्ला नहीं। कहाँ पे है? असम। कहाँ पे? आपको असम। वो किन के लिए? किन के लिए जो है उनके लिए है। वहीं का सरकार दिया था, गुजरात सरकार, आप उसको बताते। हाँ नहीं, क्लीन तो हर चीज में दिया जा रहा, मोदी जी को आपने क्लीन चिट दे दिया दादरी कांड से, दिया ना? हाँ, दादरी कांड में केस। अच्छा एक मिनट, अच्छा सुनिए, आपने क्लीन चिट दे दिया दादरी कांड में, केस किसको होना चाहिए था? हाँ नहीं नहीं, वहाँ का गवर्नमेंट, अगर यहाँ अभी हेमंत, एक मिनट लीजिए, आप मेरा जवाब सुनिए पहले, आप लिसन मेरा। अमित शाह का दादरी में केस किसको होना चाहिए था बताइए? यहाँ का सरकार है। नहीं नहीं, अगर यहाँ कुछ कांड होता तो सबसे पहले सरकार को उठाया जाएगा सर। नहीं नहीं, जिस तरीके से यहाँ वैसा भाषा चल रही है, आइए पूछ लेते। अदर टॉपिक में हम वही पूछे। अच्छा, डिटेंशन कैंप किन के लिए लगाया गया है? यहाँ के मुस्लिम को लिए लगाया गया है, तो फिर? हाँ बताइए बताइए, क्या? अरे भाई मेरे, 97 से पहले जो गांधी जी, नेहरू जी सबको बोले थे कि भाई अगर वहाँ के माइनॉरिटी को अगर वहाँ नहीं रहना है तो आ जाएंगे यहाँ पे, तो उन्हीं को तो ला रहे हैं, और किसको ला रहे हैं बताइए? अरे भाई मेरे, अगर बताइए पहला चीज, सुने बताइए। नहीं नहीं, आपको हम क्यों कर, मैम आपको हम क्यों चेंज करें? आपसे गवर्नमेंट, आपसे गवर्नमेंट, क्या आप उस लायक हैं? क्या चीज? हाँ हाँ, अरे भाई मैं, 5 लाख मुसलमान आ गया, उसे क्या हो गया? तो भारी पड़ गया उसी में, तब तो जाके आप सीसीए आया है, उसी के बाद तो सीसीए लाया है आपने। देखिए वैसा झुंड बनाए, इसका मतलब कहीं ना कहीं गलत हो रहा है, आपका कहने का मतलब है? मतलब समझे नहीं, विरोध में आए तो आपने क्वेश्चन भाई, हम बस इतना जानते हैं कि 47 से पहले जो लोग वहाँ पे रह गए थे उनके साथ से जो 15 अप्रैल 2014 से जो आया वो भी हिंदुस्तानी हो गया, और हम तो सोच रहे 19 तक हो जाना चाहिए, अभी तक हो जाना चाहिए जो वहाँ से। अच्छा, अमित शाह जी ने कहा ना पासपोर्ट, ना वोटर आईडी, ना पैन कार्ड, ये सिटीजनशिप का मतलब दलील नहीं देगा। आखिर क्या माना जाएगा, क्या माना जाएगा, आखिर हम क्या दें? और सब माने हैं, सब माने हैं। आपने इंडियन एक्सप्रेस के न्यूज देखा, सब माने असम के लोगों के साथ आएगा, एक तैयारी हो रही है, तैयारी हो रही है। इंडियन में क्या लिखा है? वोटर आईडी, आधार कार्ड, वो पासपोर्ट, ये ऑप्शनल है, ये ऑप्शनल है कि आप इसका दे सकते हो इंक्वायरी और नहीं दे सकते हो। अगर हम नहीं देंगे, आप बताइए हमें भाई, हमें कुछ नहीं आता है भैया, एक मिनट, हमें है कि नहीं, आप बताइए, आप बताइए, आप बताइए, अभी ये एनआरसी का जरूरत ही क्यों था जब इतना बेरोजगारी बढ़ गया, इतना ये हो रहा है, इतना देश में इतना अनएम्प्लॉयमेंट है, मेडिकल नहीं है, 71 में भी था, आज यूपी में हॉस्पिटल में बच्चा गैस नहीं रहता है तो इतना 150 बच्चा मर जाता है, हमेशा रहेगा, क्या फायदा है? नहीं कर सकता, क्यों नहीं कर सकती सरकार? सरकार पूरा वर्ल्ड घूमेगी, कौन सा करोड़ होते हैं ना, विरोध में ही
नहीं होते, ये पहली दफा हो रहा है कि कुछ लोग सपोर्ट में निकले। क्या चीज सपोर्ट में निकले मतलब? तो भाई जो अच्छा है वो तो सपोर्ट में होना चाहिए ना सर, बताइए आज। अच्छा बताइए एक मिनट, 2014 से लेकर आज तक जो भी स्कीम आया है, हाँ बताइए। हाँ सपोर्ट में प्रदर्शन नहीं होता, आज के इतिहास उठा के देख लीजिए, अधिकतर प्रदर्शन करके ही होता है। जो तो जितना भी सरकार का स्कीम आया उसके सपोर्ट में आप लोग आए क्या? उसके सपोर्ट में आए क्या? सर्जिकल स्ट्राइक में क्वेश्चन खड़ा कर दिए, कौन किया नहीं किया, आप ही लोग किए थे, जाहिर सी बात है विरोध करने वाले लोग किए थे, बताइए बताइए भाई। देखिए वैसा एग्रेशन नहीं लेना, हाँ बताइए बताइए, बोलिए बोलिए। किसने किया है सर्जिकल स्ट्राइक में, किसने किया है, किसने बोला है, किसने सपोर्ट किया? सर मेरी बात सुनिए, क्या कौन होते हैं बोलने वाले बताइए, क्यों बोल रहे हैं बताइए। हाँ ऐसे लोग होते हैं आपके पाकिस्तान में भी, अगर पाकिस्तान कोई मुस्लिम के लिए भी कुछ अच्छा काम करता है ना तो उसके अगेंस्ट में भी लोग आते हैं, अगेंस्ट में उसके लोग भी आते हैं। तो इंडिया इंडिया में हर तरह के लोग हैं, तो अच्छे काम का भी खिलाफत होगी, उसकी भी उसके भी खिलाफ लोग आएंगे। सही ना यार, बालाकोट हुआ कि नहीं हुआ, 300 मरे या 3 मरा, हुआ तो सही, बताओ बताओ। नमस्कार नमस्कार, अब हम लोग ये मीडिया से हटके हम लोग आपस में अच्छे से डिस्कस करें, चलिए जैसा बोलिए। चाय पे करते, चाय पे चर्चा हम लोग के साथ, नहीं, नहीं, चाय पे चर्चा यही भी बैठी ना, काहे चाय पे चर्चा, हम लोग पिला रहे सर, हम लोग सब नहीं नहीं पिला, क्या कहना चाहते हैं हम तो समर्थन में भाई साहब, जो गए साहब बात समर्थन में, समर्थन में क्यों है, समर्थन में क्यों, विरोध में भी क्यों रहेंगे सर? माता की भारत माता की शिक्षण से 9 to 5 जॉब करके आता है, उसे आप लोग बस हिंदू मुस्लिम दिखाते हैं, तो उनके दिमाग में अपने कभी हमारा चैनल देखा आजादी आजादी सर आपका है हो सर आप नहीं नहीं क्या है इनके तरफ से बोल रहे गोदी मीडिया क्या सही है? नहीं बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, हमारे चैनल को देखते हैं, कभी मैं किसी के पक्ष में दिखाता हूँ, बिल्कुल देखते हैं आपके चैनल को, आपके चैनल अच्छा है, आपका चैनल बिल्कुल सही है, लोग मैंने क्या बोला, हर तरह के लोग हर जगह हैं, आप उसके खिलाफ हर कोई है, एक चीज के अच्छी चीज के भी खिलाफ है, बुरी चीज के खिलाफ तो होना ही चाहिए, लेकिन अच्छी चीज के भी खिलाफ लोग होंगे। आप देख लीजिए रवीश कुमार को देखिए ना, उसके भी खिलाफ बहुत लोग हैं, लेकिन वो अच्छे हैं, बिल्कुल अच्छे हैं। लेकिन आप हमारा चैनल देखते होंगे, मैं क्या दिखाता हूँ, बहुत अच्छा है, बिल्कुल देखते हैं आपका चैनल, इसलिए आपको इंटरव्यू दिए, नहीं हम नहीं देते उसी वक्त, नहीं देते, आपका चैनल बिल्कुल अच्छा है, धन्यवाद। जैसा कि आप देख सकते हैं हर समाज में हर तबके के लोग रहते हैं, तो कुछ लोगों ने हमारे ऐसे फॉलोवर हैं जो जानते हैं कि एक्चुअल हम क्या दिखाते हैं, उन्होंने बातों को एक्सेप्ट किया, तो हर किसी को एक तराजू में तोलना कहीं तक उचित नहीं है। NRC CA और NPR पे कैसा बहस चल रहा है पूरे देश में, वहीं रांची में भी आज ये बहस चला कुछ युवाओं के बीच में, तो हमें आपस में नहीं उलझना है, हम तो यही कहेंगे कि चाहे वो किसी भी धर्म या जाति से हो, हमें एक दूसरे के साथ रहना है। लेकिन आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में NPR और CA और NRC के मुद्दे पे माननीय अर्जुन मुंडा ने क्या कहा, हम आइए सुनते हैं। नई सरकार लागू नहीं करेगी, देखिए ये बहु आबादी राष्ट्र है, बहु आबादी राष्ट्र में अपने राष्ट्र के जनता को सटीक ढंग से सुविधाएं प्रदान हो, सटीक ढंग से कार्य योजना बने और हमारा देश सुरक्षित हो, इंटरनेशनल जिसे कहा जाए इंटरनल सिक्योरिटी हमारा मजबूत हो, एक्सटर्नल स्ट्रेटजी हमारा इस ढंग से हो, ये सब देशवासी चाहते हैं। और इसीलिए इस बात के लिए किसी को किसी तरह का संदेह मन में नहीं रहना चाहिए, देशवासियों का है और देशवासी सभी हैं जो देश में रह रहे हैं। हाँ ये बिल्कुल स्पष्ट बात है कि जो जैसे कोई नेशनल सिटीजन रजिस्टर के बारे में कहता है, तो देखिए जो स्वयं से ये कहता है कि मैं फलाना जगह से आया हूँ, मैं फलाना कंट्री से आया हूँ और खुद से वो किसी भी सरकारी एजेंसी को सारी चीज़ें बताने के लिए तैयार है, उनके सिटीजनशिप के बारे में कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, उनको आराम से मिला, जो अपने उस आइडेंटिटी को छुपाना चाहता है कि हम कहाँ से आए हैं यही बताने के लिए तैयार नहीं, तो उसके बारे में तो देशवासी को ये विचार निश्चित रूप से करते हुए आने वाले दिनों के लिए भारत के भविष्य के लिए निश्चित रूप से सावधान रह करके काम करना चाहिए, तो इसलिए इसमें कोई दिक्कत नहीं है। और जिसको भी ऐसा लगता है उस
या कंफ्यूजन पैदा करने की कोशिश की जाती है उसको पूरी चीजों की जानकारी ले लेनी चाहिए, जानकारी रखनी चाहिए। और इसमें बिल्कुल स्पष्ट है CAA के बारे में, मैं निश्चित रूप से ये कहूँगा कि बहुत पारदर्शी तरीके से सबने अपने सुझाव दिए पार्लियामेंट के अंदर, और पार्लियामेंट के अंदर दलगत भावना से ऊपर उठ करके भी बहुत सारे लोगों ने समर्थन किया, और उस समर्थन के आधार पर ये CAA उन लोगों के लिए जो लोग बहुत वर्षों वर्षों से, हमारे रांची में भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं, रांची में भी जिसको आप रिफ्यूजी के रूप में देखते हैं, उनके बारे में पॉलिसी डिसीजन ये तो पिछले सरकारों को ही करना चाहिए था, लेकिन उन लोगों ने नहीं किया। इस सरकार ने कहा कि ऐसे लोग जो विभिन्न स्थानों से, विभिन्न जो आज अलग देश है वैसे स्थानों से कष्ट झेल करके संकटों के साथ यहाँ आए हैं, उनको इस एक्ट के माध्यम से वो सारी चीज़ें उपलब्ध हो और सिटीजन्स का जो लाभ है वो मिले, इसलिए ये एक एक्ट बनाया गया। इसको जोड़ करके लोग देख रहे हैं एनपीआर के साथ जोड़ने का कोई मतलब नहीं, पहली बात। और दूसरी बात यह है कि एनपीआर के बारे में जो इस बात को उछालने की कोशिश कर रहे हैं, उन्होंने तो इसको लॉन्च किया था तत्कालीन समय में, यूपीए गवर्नमेंट ने बहुत ज़्यादा उत्साह के साथ एनपीआर को इनोग्रेट किया था, लॉन्च किया था, ये उस समय सही ढंग से लागू नहीं हो सके। अब उसको लागू किया जा रहा है, कुछ चीज़ें गतिशील रहती है, सरकारें आती है जाती है पर गतिशील रहती है, उसी में से एक एनपीआर है। उसके आप रिकॉर्ड डेटा सारी चीज़ें देख सकते हैं कि माननीय प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी ने उसको इनोग्रेट किया था, उसको लॉन्च किया था, समर्पित किया था कि इस तरीके से हम करना चाहते हैं।